हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इशिता बोस, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ग्राफिक्स ट्यूर। तो आज का ट्यूटोरियल भी है एक रिक्वेस्ट का। तो हमारा फ्रेंड हमको रिक्वेस्ट करके बोला था कि स्मैच पेंटिंग, ऑयल पेंट एंड डिजिटल पेंटिंग कैसे करके फोटोशॉप में क्रिएट करना है, तो वो रिक्वेस्ट किया था। तो एक ट्यूटोरियल मैंने दे दिया स्मैच पेंटिंग। तो जो जो फ्रेंड अभी भी जो ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो मेरा मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा स्मैच पेंटिंग का ट्यूटोरियल लिंक भी दे दूंगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो आज का ट्यूटोरियल है ऑयल पेंटिंग। अब लोग टाइटल देख के पता ही होगा, तो आज का ट्यूटोरियल ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग ट्यूटोरियल शुरू करने का पहले कि ऑयल पेंट के लिए कुछ बात हम बोलेंगे, तो वो है देखिए, ये जो ऑयल पेंट मैंने क्रिएट किया, तो हमारा ऑयल पेंट जो फोटोशॉप में है बाय डिफॉल्ट, तो वो नहीं काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो क्योंकि हमको पता नहीं, जो फोटोशॉप सेटिंग्स मैंने चेक कर लिया, मेरा कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड भी मैंने चेक कर लिया, तो कोई भी कोई से एक ऑयल पेंट काम नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो। देखिए फिल्टर ऑप्शन में जाके देखिए, इधर स्टाइलाइज एंड देखिए इधर ऑयल पेंट, देखिए इधर मेरा ऑयल पेंट नहीं शो कर रहा है। क्योंकि क्यों नहीं शो कर रहा है तो हमको पता नहीं है। आप लोग का कोई सॉल्यूशन है तो हमको कमेंट करके बोल सकते हो कैसे करके ऑयल पेंट एनेबल करना होगा। तो हम जो जो करना है सब कुछ कर लिया, तो वो भी ऑयल पेंट हमारा ओपन नहीं हो रहा है। तो जो 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 फ्रेंड जानते हो कैसे करके ऑयल पेंट एनेबल करने होगा, तो हमको कमेंट करके बोल सकते हो। तो अब लोग को टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग सोचा ही है तो ऑयल पेंट नहीं है, तो ऑयल पेंट कैसे करके मैं क्रिएट करूँगी। तो ऑयल पेंट से हम लोग ये इमेज क्रिएट नहीं किया। तो देखिए एक इमेज को कैसे करके ऑयल पेंट में ट्रांसफ़र करने होगा, तो हम आज वही ट्रिक्स बताएंगे एंड हम लोग सीखेंगे। ऑयल पेंट कोई भी कोई ऑयल पेंट फिल्टर इधर हम नहीं यूज़ किया, तो कैसे करके किया ये ऑयल पेंट, तो ये ट्रिक्स आज हम लोग सीखेंगे। तो ट्यूटोरियल को पूरा देखना, क्योंकि कोई भी कोई ट्रिक्स मिस हो जाए तो आप लोग का ये इफेक्ट सीखने का कुछ फॉल्ट हो जाएगा। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है ट्यूटोरियल का पूरा देखना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नया हमारा ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और ट्यूटोरियल अच्छा होने से जरूर एक लाइक कीजिएगा, आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बोलना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों इमेज मैं इम्पोर्ट करके रखी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो ये इमेज है, इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए मैं इधर क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्शन करूँगी, देन ऐसा करके हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद जो मास्क लेयर में मैं जस्ट क्लिक किया, तो देखिए इमेज अलग हो गया। तो इसके बाद देखिए जस्ट मास्क लेयर का ऊपर जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन में मैं क्लिक किया। तो इसके बाद देखिए ऐसे करके हम लोग ब्रश टूल लेके जो हेयर को ठीक ठाक से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ऐसे करके हम लोग पूरा हेयर को सिलेक्शन कर लिया। तो इसके बाद देखिए रेडियस हम लोग 1 पिक्सल रखूँगी एंड स्मूथ भी 1 पिक्सल करके ओके किया। तो देखिए स्मूथ इमेज इधर कट हो गया। तो इसके बाद देखिए जस्ट इमेज को लेके बैकग्राउंड का ऊपर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे करके देखिए इधर इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद देखिए हम लोग एक सॉलिड कलर सिलेक्शन करेंगे, जो भी कलर हो। तो देखिए हम ग्रे कलर सिलेक्शन किया। तो इसके बाद देखिए हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए देखिए जस्ट बैकग्राउंड लेयर सिलेक्शन करके हम लोग एडजस्टमेंट पैनल पे जाके कार्व ऑप्शन में सिलेक्शन किया, देन क्लिप मार्क ऐड कर दिया। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को डार्क करेंगे। तो ऐसे करके डार्क कर लिया।
तो इसके बाद देखिए मास्क स्कार्फ लेयर जो है मास्क लेयर सिलेक्शन करके ब्रश टूल देके देखिए थोड़ा सा जो मॉडल है मॉडल का पीछे में थोड़ा सा मैं लाइट क्रिएट करूँगी ऐसे करके देखिए थोड़ा सा मैंने लाइट क्रिएट किया। तो इसके बाद जो मेन बैकग्राउंड है मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करेंगे तो इसीलिए मैं फिल्टर पे जाऊंगी देन ब्लर देन गोजियन ब्लर तो 3.8 पिक्सल रख के मैं ओके किया। तो इसके बाद देखिए कलर चेंज करूंगी तो इसीलिए एडजस्टमेंट पैनल पे जाके ह्यू एंड सैचुरेशन ऑप्शन में जस्ट क्लिक किया क्लिप ऐड कर दिया। तो इसके बाद देखिए मैंने रेड कलर सिलेक्शन किया तो ऐसे करके रेड कलर सिलेक्शन कर लिया एंड सैचुरेशन थोड़ा सा हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे तो ऐसे करके बैकग्राउंड देखिए इधर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग ऑयल पेंट मेन टॉपिक में मैं आ जाऊंगी तो ऑयल पेंट इफेक्ट। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए जो मॉडल इमेज है मॉडल इमेज जो मास्क है मैं अप्लाई लेयर मास्क कर दिया। तो इसके बाद देखिए कंट्रोल जे करके दोनों कॉपी हम लोग क्रिएट करेंगे सेफ्टी के बाद बस एक जो जो थर्ड जो लेयर है तो मॉडल इमेज का तो लेयर का आई आइकॉन मैं क्लोज कर दिया। तो इसके बाद देखिए दोनों लेयर ओपन है तो टॉप लेयर जो है टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे इमेज देन एडजस्टमेंट देन हम लोग एडजस्ट करेंगे शेडो एंड हाईलाइट। तो शेडो एंड हाईलाइट हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ऐसे करके हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शेडो एंड हाईलाइट को एडजस्ट करेंगे। ऐसे करके देखिए हमको इमेज को थोड़ा सा डार्क करने होगा तो ऐसे करके एडजस्ट कर लिया देन ओके बटन में प्रेस किया। तो इसके बाद देखिए टॉप लेयर सिलेक्शन करके फिर से हम लोग जाएंगे इमेज देन एडजस्टमेंट देन लेबल लेबल ऑप्शन में जाके देखिए थोड़ा सा हम लोग लेबल भी एडजस्ट करेंगे ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करके ओके किया। तो इसके बाद टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर देन हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर पे जाऊंगी कैमरा रॉ में जाके हम लोग फिर से इमेज को थोड़ा सा डार्कनेस करेंगे तो क्लैरिटी थोड़ा सा देखिए हम लोग बढ़ा दिया हाईलाइट भी थोड़ा सा हम लोग देखिए इंक्रीज कर दिया एंड शेडो वाइट ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करेंगे एंड क्लैरिटी भी एंड डीएस भी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लिया देन ओके किया। तो बिफोर देखिए ये वाला इमेज था आफ्टर इफेक्ट देने के बाद देखिए ये वाला इमेज आ गया। तो इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा और भी इमेज को क्लैरिटी हमको क्रिएट करने होगा तो इसीलिए ये टॉप लेयर जो है कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट कॉपी हम लोग क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद मैं जाऊंगी फिल्टर देन अदर देन हाईपास ऑप्शन में जाऊंगी हाईपास ऑप्शन में जाके रेडियस देखिए 2.1 पिक्सल मैं देखिए 2.1 पिक्सल मैं कर दिया देन ओके बटन में प्रेस किया। इसके बाद ब्लेंड मोड चेंज करके मैं ओवरले कर दिया देखिए बिफोर देन आफ्टर देखिए इमेज बहुत ही क्लैरिटी आ गया। तो इसके बाद देखिए दोनों जो लेयर है जो हाईपास लेयर एंड जो सेकेंड वाला लेयर को हम लोग मर्ज करेंगे तो इसीलिए मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया देखिए मर्ज हो गया। तो इसके बाद ये वाला टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर देन शार्पन देन देखिए आंसर मार्क्स तो देखिए एखाने अमाउंट थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे अमाउंट देखिए इधर हम लोग रखेंगे 134 एंड रेडियस भी थोड़ा सा हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे 2.1 कर दिया देन देखिए ओके देन बटन में प्रेस किया बिफोर देन आफ्टर तो देखिए बहुत ही क्लैरिटी आ गया इमेज का। तो इसके बाद हम लोग ऑयल पेंट क्रिएट करेंगे इमेज का ऊपर। तो इसीलिए देखिए जो टॉप लेयर है टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर देन स्टाइलाइज देन देखिए इधर डिफ्यूज ऑप्शन में जाऊंगी इधर देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है तो लास्ट वाला ऑप्शन में जा सिलेक्शन करके मैं ओके बटन में प्रेस कर दिया देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ देखिए ऑयल पेंट इफेक्ट देखिए थोड़ा सा इधर क्रिएट हो गया और भी हमको ऑयल पेंट देना होगा। तो इसीलिए टॉप लेयर सिलेक्शन करके ऐसे करके हम लोग जाएंगे इमेज देन इमेज रोटेशन देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑप्शन में जाके सेम हम लोग अप्लाई करेंगे देखिए इधर फिल्टर से डिफ्यूज ऑप्शन में जस्ट क्लिक कर दिया तो देखिए और इफेक्ट आ गया। तो फिर से हम लोग जाएंगे इमेज देन इमेज रोटेशन देन
90 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे करके हम लोग 5 टाइम्स हम लोग अप्लाई करेंगे ऑयल पेंट, देन फिल्टर डिफ्यूज, ऐसे करके भी आप लोग जा सकते हो। और कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए प्लस प्रेस करके भी आप लोग ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो फिर से हम लोग जाएंगे इमेज, देन इमेज रोटेशन, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देन फिल्टर, देन डिफ्यूज, ऐसे करके हम लोग ऑयल पेंट क्रिएट करेंगे। फिर से देखिए इमेज, इमेज रोटेशन, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से और एक बार देंगे, देखिए ऑयल पेंट आ गया, ऑयल पेंट इफेक्ट। देखिए कोई प्लगइन्स नहीं यूज करके हम लोग ऑयल पेंट इफेक्ट देखिए इधर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए हम लोग इधर देखिए जो स्किन है, स्किन के और भी स्मूथ करेंगे, तो इसीलिए टॉप लेयर सेक्शन करके मेरे हम लोग जाएंगे फिल्टर, फिल्टर से जाएंगे नॉइस, देन रिड्यूस नॉइस, रिड्यूस नॉइस ऑप्शन में जाके स्ट्रेंथ देखिए 10 को कर देंगे मैं हम लोग, देन देखिए ओके बटन में प्रेस किया, तो देखिए स्किन और भी स्मूथ आ गया। तो इमेज के थोड़ा सा हम लोग क्लैरिटी करेंगे, तो इसीलिए फिर देखिए टॉप लेयर सेलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन शार्पेन, देन अनशार्प मार्क्स, अनशार्प मार्क्स ऑप्शन में जाके देखिए अमाउंट थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे 98 पिक्सल के आसपास रख के, देखिए रेडियस 2.1 पिक्सल रख के ओके बटन में प्रेस किया, तो देखिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया। तो इसके बाद देखिए और भी क्लैरिटी देने के लिए मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद फिल्टर पे जाऊंगी, आधार, देन हाई पास, हाई पास ऑप्शन में जाके देखिए रेडियस 2.1 पिक्सल करके ओके किया, एंड देखिए ब्लेंड मोड चेंज करके ओवरले कर दिया, देखिए बिफोर देन आफ्टर, बिफोर देन आफ्टर। तो दोनों लेयर को हम लोग मर्ज कर लेंगे मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके, तो देखिए ऑयल पेंट जो इफेक्ट है इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए जो और एक जो हम लोग डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल जे करके, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गया। तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके हम लोग जाएंगे इमेज, इमेज जाके देखिए ऑटो टोन ऑप्शन में जस्ट क्लिक कर दिए, तो देखिए एक इफेक्ट आ गया। तो देखिए बिफोर देन आफ्टर, तो ऐसे करके देखिए हमारा ऑयल पेंट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग कुछ कलर करेंगे एंड डॉज एंड बर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो न्यू लेयर मैं क्रिएट कर लिया, देन मैं जाऊंगी इधर एडिट, देन फिल, देखिए फिल पे जाके देखिए 50% ग्रे करके ओके बटन में प्रेस किया, एंड ब्लेंड मोड चेंज करके लिनर लाइट कर दिया। तो इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर हाईलाइट एंड शेडो ऐड करेंगे, तो इसीलिए डॉट टूल में सिलेक्शन किया हाईलाइट करने के लिए, ऐसे करके हम लोग कुछ हाईलाइट क्रिएट करेंगे। एंड देखिए इधर शेडो भी कुछ क्रिएट करेंगे। देखिए हाईलाइट एंड शेडो क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए जो इमेज को हम लोग इधर देखिए बैकग्राउंड का ऊपर एडजस्ट करेंगे, तो सब इमेज को लेके देखिए कंट्रोल ई कर दिया एक, सॉरी देखिए इधर एक क्लिपिंग मार्क्स ऐड कर दिया। तो इसके बाद देखिए पूरा इमेज को कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया, देन देखिए इधर मार्क्स लेयर में क्रिएट करूंगी, देन देखिए ब्रश टूल लेंगे एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा के देखिए इधर जो बैकग्राउंड को इधर ऐसे करके हम लोग बैकग्राउंड का ऊपर इमेज को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट हो गया। तो इसके बाद देखिए और भी कलर टोन हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडल इमेज का ऊपर, तो इसीलिए देखिए जस्ट न्यू लेयर में क्रिएट किया एंड क्लिप कर दिया, क्लिपिंग मार्क्स ऐड कर दिया। तो इसके बाद देखिए रेड कलर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करेंगे एंड ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल देके देखिए ऐसे करके हम लोग
कलर करेंगे। तो देखिए चेंज करके, ब्लेंड मोड चेंज करके इधर सॉफ्ट लाइट कर दिया एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसे करके न्यू लेयर फिर से क्रिएट करेंगे एंड देखिए इधर ऐसे करके येलो टोन हम लोग सिलेक्शन करेंगे। येलो कलर सिलेक्शन करके ऐसे करके इधर येलो कलर कर दिया एंड ब्लेंड मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर दिया। ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे करके देखिए रेड कलर देंगे देखिए। हेयर को भी हम लोग थोड़ा सा कलर करेंगे ऐसे करके। क्लिप न्यू लेयर क्रिएट किया, क्लिप कर दिया देन देखिए ब्लू कलर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ब्लेंड मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट कर दिया ऐसे करके देखिए कलर हो गया। तो इसके बाद देखिए एक न्यू लेयर में क्रिएट किया एंड क्लीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई प्रेस किया, एक मार्ज इमेज क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद देखिए फिल्टर देन कैमरा रॉ फिल्टर पे जाऊंगी। थोड़ा सा हम लोग इधर देखिए कलर एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे करके। देखिए बिफोर इमेज था, आफ्टर इफेक्ट देने के बाद देखिए वाला इमेज आ गया। तो इसके बाद देखिए और थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए देखिए एक न्यू लेयर क्रिएट किया एंड कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई प्रेस किया एंड ब्लेंड मोड चेंज करके लिनर लाइट कर दिया। इसके बाद फिल्टर पे जाऊंगी अदर देन हाई पास। हाई पास ऑप्शन में जाके देखिए रेडियस थोड़ा सा हम लोग 0.8 पिक्सल करके ओके किया। तो देखिए बिफोर देन आफ्टर, बिफोर देन आफ्टर। तो देखिए दोस्तों ऑयल पेंट बिना हम लोग कैसे करके इमेज को ऑयल पेंट इमेज में कैसे करके कन्वर्ट कर लिया, तो वो ट्यूटोरियल आप लोग को दिखाई दिया। तो ये ट्यूटोरियल आप लोग का थोड़ा सा थोड़ी सी आप लोग को अच्छा लगे तो ट्यूटोरियल को मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बोलना वीडियो कैसा लगा। और जरूर जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि नया नया जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो ये दोस्तों हमको कमेंट करके बोला था जो ऑयल पेंट इफेक्ट कैसे करके क्रिएट करना है, तो वो आज हम लोग सीख गया। आई होप ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आएंगी जो डिजिटल पेंटिंग इफेक्ट कैसे करके फोटोशॉप में क्रिएट करना है, वो हम एक ट्यूटोरियल दे देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल था ऑयल पेंट इफेक्ट, आई होप आप लोग सीख गया कैसे करके फोटोशॉप में क्रिएट करना है। तो ट्यूटोरियल अच्छा लगने से जरूर एक लाइक कीजिएगा और जरूर जरूर सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक लिए गुड बाय, नमस्ते।